नाज़रीन, इस वक्त हम ऐन उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर मुदई की निशानदेही की गई थी और हमारी पूरी कोशिश है कि यहां से जो उसके साथी हैं बाकी वो भी गिरफ्तार हो जाएं। पुलिस की भारी नफरी भी हमारे साथ मौजूद है। ये इस वक्त उस घर के बाहर हम मौजूद हैं, कोशिश करेंगे कि शायद कोई दरवाज़ा खोल दे तो पुलिस जो है वो अपने तरीके से फिर कार्रवाई जो है उसको यकीनी बनाएगी। आगे चूँकि पुलिस है और पुलिस के साथ हम भी अंदर जाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या है जी, ये ताला है। इस गेट को लगा हुआ है, शायद इधर से कोई अंदर हो। ये वाला गेट इधर से भी, दोनों तरफ से ताला है। दोनों तरफ से ताला, दोनों तरफ से ताला है। बाजू का ऐसे भी होता है कि ताला लगा हो लेकिन अंदर लोग होते हैं। नहीं, वो चेक कर लेते हैं साइडों से, ऊपर से। हाँ, प्लीज प्लीज, लाजमी। हाँ जी, यहाँ पे रखो पाँव ऊपर, होके देखे। ये कौन सा घर है जी? वही जिसमें निशानदेही की थी उसके साथी गिरफ्तार। एक नंबर, कुछ भी नहीं अंदर। आ जाओ नीचे। अंदर कुछ है जी? कुछ नजर नहीं आया जी। ऐसा ही लगता है कि जैसे ये किसी शायद इस बैक साइड से ना भागे हो यहाँ से। इससे मेरा ख्याल है ये दीवार भी जो है वो छोटी है, दीवार के ऊपर से इजीली जो है प्लान के इधर आया जा सकता है। हाँ जी, हो सकता है मुखबरी किसी ने हमारे आने से पहले कुछ कर दी है, किसी ने मुखबरी कर दी है, इसीलिए वो लाइटें ऑफ करके ताले लगा के भाग गए हैं। ठीक नाज़रीन, ये वो जगह है, ये वो घर है जहाँ पर निशानदेही की गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे मैं पहले भी अक्सर कहती होती हूँ अपने प्रोग्राम में कि जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं ना, ये अपनी तरफ से बहुत आगे की सोच रहे होते हैं लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि इनका अंजाम क्या होना है। यहाँ मुलजिम की निशानदेही पर इनका एक और साथी जो है वो गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंच चुकी है। हम भी पुलिस के हमरा मौजूद है। ये वो साथी फरार ना हो जाए इसलिए जल्द जो है वो कार्रवाई को यकीनी बनाया जा रहा है। आइए हम भी अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि वो कौन है, वो खातून है या मर्द है जिसकी निशानदेही की गई है। ऑन कैमरा आपको दिखाते हैं। मैं फ्रंट पे। ठीक हो गया, जल्दी आ जाओ। इस वक्त पुलिस जो है वो कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए मुलजम को साथ लिया हुआ है ताकि निशानदेही हो जाए। पुलिस ने चारों तरफ से टीमें तश्कील दे दी हैं कि किस तरह से उस घर को घेरा डालना है। पुलिस के कुछ नौजवान फ्रंट से जाएंगे, कुछ बैक से और कुछ जो है वो साइड से इसको कॉर्डन ऑफ करेंगे। ये वो घर है जहाँ पुलिस जो है उसको कॉर्डन ऑफ कर रही है। अब सारे इस घर को, इसको दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की जा रही है और वो मरकजी मुलजिम जो इनसे असल में पैसे लेता था और असल हिस्सा था जिसका ये प्लान था, यानी कह लेंगे मास्टरमाइंड इस सारे मामले का, वो अब गिरफ्तार किया जा रहा है। अब उस घर को चेक किया जा रहा है कि इस घर में हमारे आने से पहले किसी ने कोई मुखबरी तो नहीं कर दी कि यहाँ से वो गिरफ्तार हो भी पाएगा आज या नहीं हो पाएगा। ये तो अब दरवाज़ा खुलने के बाद ही इस बात का इल्म हो सकेगा। पुलिस का एक नौजवान जो है वो तमाम कमरों को चेक कर रहा है कि अंदर कोई है या नहीं है। दरवाज़ा जो है वो कोशिश की जा रही है खोलने की। बाहर से ताला लगा हुआ है। अच्छा, अंदर से भी वो कमरों के तमाम ताले लगे हुए हैं। पहले यहाँ पे मुखबरी कर दी है, यहाँ पर भी कोई मुखबरी होगी है जो हमारे आने से पहले वो यहाँ से भी भाग गए हैं। यहाँ पे वो जो लड़की है ना वो रहती है, ये वो लड़कियों का ठिकाना है। अच्छा, ये उनका ठिकाना है। उनका ठिकाना है, वो यहाँ पे लेके आती है मर्दों को। तो ये इसने मुलजम ने निशानदेही करवाई है यहाँ पे, अब वो नहीं है। तो ये पड़ोस का घर है उनके बिल्कुल, क्योंकि वो लोग मफरूर हैं यहाँ से और जिस तरह के संगीन जराइम में वो लोग मुलव्वस हैं। तो पुलिस तमाम आसपास के घर भी चेक कर रही है क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ हैं मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये मुलिका है उस दीवार के साथ और वो बिल्कुल साथ, बिल्कुल दीवार के साथ दीवार जो है उनका अपना घर है। ये वो घर है, मेरे कैमरामैन अगर कैप्चर कर लें आगे आके प्लीज। वो सामने ताला लगा हुआ है, ये ऊपर भी एक कमरा है उसको भी ताले लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो लगता है कि वो नहीं है, वो यहाँ से भाग गए, यहाँ से भाग गए। और ये आसपास जो है ये पड़ोस का घर है और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे अंदर कोई है, यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम जी। ये सात सालों को देखा है आपने कभी? नहीं, कभी नहीं देखा। नहीं जी। वैसे जानते हैं, आपके पड़ोसी है ना? हाँ, गवाड़ी थे। क्या ये गलत काम करती है खवातीन? ये तो कर दिया ना। करती हैं? हाँ जी। गलत कामों में मुलव्वस हैं? हाँ जी। चलें जी, मुलजम की इस बात की भी तस्दीक हो गई है कि ये जो साथ वाले इस घर के हमसाए हैं वो ख्वातीन जो हैं वो ऐसे गलत कामों में मुलव्वस हैं और मशहूर हैं यहाँ पर। अब इस घर में भी वो मौजूद नहीं है, इस घर को भी पुलिस ने अच्छी तरह जो है वो छानबीन कर ली है और हमसायों ने बहुत ज़्यादा जो है वो तावुन किया है, बड़ी बड़ी बातें करा था कि मैं नहीं तो वो नहीं तो कौन नहीं। अब ये इंसान बन चुका है, ये सच सुन चुका है, सामने चीज़ें आ चुकी हैं। हाँ भाई, अब जुबान खुलेगी जी। हाँ, अब बताओ जी कि क्या करतूत थे तुम्हारे, अपने मुंह से बताओ। इस काम में जी तीन चार औरतों ने, एक वकील है, एक मैं। औरतों का काम में एक बंदे ने डील करके ले आना, फोन शोन करना, वीडियो ना। नंबर्स कहाँ से लेती हैं वो? नंबर उन्होंने अड्डा है, शक्ल है उन्होंने। अच्छा, उत्थे बंदे उन्होंने मिलन आते,
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਕਲੇ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਥੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਕਰਤੂਤ ਖੁਦ ਬਤਾਓ ਜੀ ਦੋ ਚਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਥੀ ਇਸ ਕਾਮ ਮੈਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਥਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੂੰ ਬੀਬੀਓ ਕਾ ਯੇ ਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੋ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਲਾਈਨ ਕਾ ਹੋ ਸਰਚ ਕਹਾਂ ਸੇ ਕਰਤੀ ਥੀ ਉਨਕਾ ਐਸਾ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਸੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਨੰਬਰ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲੇਤੇ ਹੈ ਉਨਕਾ ਅੱਡਾ ਹੈ ਉਨਕਾ ਅੱਡਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਲੋਗ ਆਤੇ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਯੇ ਕਾਮ ਕਰ ਬਸ ਕਾ ਅੱਡਾ ਹੈ ਘਰ ਹੈ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇ ਵੋ ਯੇ ਕਾਮ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਕਾਮ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਕਾਮ ਯੇ ਘਰ ਹੈ ਉਨਕਾ ਘਰ ਹੈ ਉਨਕਾ ਲੋਗ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਉਸ ਘਰ ਮੇ ਜਬ ਚਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੇ ਤੋ ਲੈਦਾ ਸੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲਨੇ ਆਏਂਗੇ ਬਾਤ ਵੋ ਕਰੋ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਉਂ ਮੈਂ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਉਸ ਘਰ ਮੇ ਤੀਨ ਸੇ ਚਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈ ठीक है जो अलहदा अलहदा उनके मकान भी हैं और एक मकान में भी रहती जो लड़की एक आदमी को मिलती है ना अगर उसके पास उसे नज़र आए कि इसके पास पैसा है तो वो दूसरी को उसका नंबर दे देती है दूसरी अलहदा उसको डील करती है उसको पता नहीं चलता वो उसे मिल लेती मिलने के बाद उसका मेडिकल कराते हैं मेडिकल के भाई जो पहले ही उस जगह पे आ गया है जो खातून दिन में कई ऐसे काम करती कई लोगों के साथ दिन में इस तरह के डीलिंग करती है वो खातून क्यों मेडिकल के चक्कर में पड़ेगी मुझे बात वो समझाओ बहुत सारी जगहों पर ऐसे काम होते हैं कबा खाने चलते हैं पर ये खवातीन मेडिकल या पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ती क्योंकि इनका कारोबार तबाह होता है जी मैं बताता हूँ ये मेडिकल लेती हैं मेडिकल के बगैर इनका काम नहीं चलता बंदे को ब्लैकमेल करना तुम लोग सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हो लोगों को ट्रैप करने के लिए मुझे एक विक्टिम ने बताया कि उसको सोशल मीडिया से ट्रेस किया गया था जी सोशल मीडिया नहीं मैं बताता हूँ ये मेडिकल लेते हैं मेडिकल के बाद जो प्रोसीजर है उसके बाद होता है जब मेडिकल हो तो उसके बाद बंदा ब्लैकमेल होता है जिसका ब्लैकमेलिंग तो आखिरी हद है ना बहुत सारे जरूरी नहीं है कि सारे लोग दो नंबर तो होने चाहिए ना ब्लैकमेल मैं जो सवाल पूछ रही हूँ मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को टारगेट कैसे करते हैं लोगों को टारगेट सिर्फ उस कबा खाने से नहीं किया जाता लोगों को टारगेट सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक और डिफरेंट एप्स के जरिए भी किया जाता है मैं बताता हूं ऐसा होता है कि वो जो औरतें हैं ना शहर में अक्सर शहर में सिटी में वो जाती होती हैं ठीक है अगर कोई आदमी उनकी समझ में आ जाए उससे नंबर वो ले लेती हैं ठीक है इस तरह के लोग होते हैं आशिक मजाज लोग होते हैं एक एक वर्कशॉप का मैकेनिक कितना बड़ा अमीर होगा उसे क्यों वो ट्रैप करेंगी वो कोई ताजर है मुझे बताओ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है नहीं मैं बताता हूँ इनका जो है ना कोई टारगेट नहीं होता इन औरतों का इनको अगर इनका नहीं हमारा बोलो हमारा अगर 1,000 मिले तो वो भी कर लेते हैं अगर 1,00,000 मिले तो वो भी कर लेते हैं किसी को जो इस लाइन का बंदा है उसको वो इस लाइन का नहीं बंदा चाहिए आपको जो हत्थे चढ़ जाए जी है जी ये जो अभी मुदई है इसको कहाँ से ट्रेस किया था नंबर उनका था मेडिकल हमने कराया अच्छा नंबर उन्होंने ट्रेस किया वो था पैलेस का उन्होंने सोशल मीडिया से ट्रेस किया जी जी कहाँ से किया सोशल मीडिया से किया या वैसे किया नंबर अच्छा। उनका था हमने मेडिकल करा सारी कार्रवाई वो तुम्हारे बगैर नहीं डाल सकते जी सारी कार्रवाई वो तुम लोगों के बगैर नहीं डाल सकते जी नहीं हम हिस्सा है इसका हिस्सा हो जी वो लोग पहले सारी कार्रवाई डालती हैं जी उसके बाद कितनी ख्वातीन है तुम लोगों के साथ तीन उम्र कितनी कितनी है तकरीबन एक ही 35 साल एक ही तकरीबन 30 साल और एक 40 साल शादीशुदा है एक शादीशुदा उनके घर वालों को नहीं पता चलता नहीं पता है वो सब मुलव्वस हैं वो ऐसे लोग हैं अच्छा आप बड़े सुलझे हुए हो हैं वो ऐसे लोग हैं तुम्हारे जैसे ही है ना गुनाह तो औरत के लिए भी उतना है मर्द के लिए भी उतना है ऐसे ही है ना अब बताओ कैसे ट्रैप किया था फिर क्या हुआ उस दिन क्या हुआ मुझे सारी कहानी सुनाओ जिस दिन ये फंसे हो वो आदमी बीबी से मिला आके ठीक है मिलने के बाद वो आदमी का नाम भी होगा साजिद अच्छा साजिद साहब मिलने के बाद वो अपने घर चला गया ठीक है बीबी इधर हमारे पास आ गई वीडियो रिकॉर्डिंग कौन करता वीडियो वो बीबी करती मैं आपको बताता हूँ ऐसे होता है कि बाज टाइम ऐसा भी होता है कि अगर कोई मोटरसाइकिल के पीछे बिठा ले तो पीछे बैठे की भी वीडियो बन जाती है ठीक है अगर कोई घर पे आ जाए तो कैसे बन जाती पीछे बैठे ऐसे ही फोन चला के उसकी बैग को कवर कर लेना इतना बैग से थोड़ी पता लगता है कौन है पता चल जाता है जिस आदमी ने ये काम किया होता है उसको पता चल जाता है कि मैं हूँ अच्छा। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि अगर किसी मकान पे मिलने कोई आता है जब वो मिल ले उसके कपड़े ना हो उसके बाद उनका इतना तजर्बा है वो वीडियो उसकी बना लेती है कौन औरतें जो तुम लोगों ने रखी हुई जी
अच्छा, वीडियोस कैसे बनाती हैं? वो तो होश में होता है, कोई होश में अपनी वीडियो थोड़ी बनाने देता है। वो शातिर हैं औरतें। शातिर के लिए भी कोई तरीकाकार तो होगा ना, वो शातिर का तरीका पूछ रही हूं। जी, उनके पास मोबाइल होता है। हाँ, मोबाइल से कहाँ रखती हैं, कैसे बनाती? फोन चोरी, किसी ऐसी जगह पे छुपा देना बस टाइम, और कभी कभी ऐसा होना कि अपने पास ही होना। हाँ। जब वो वॉशरूम जाने के लिए उठे तो पीछे से बना लेनी, या कि वॉशरूम में जाए तो उसके इंतज़ार में कैमरा चला के रखना, जब उधर से वो वापस आए कपड़ों के बगैर तो उसकी बना लेनी, और ऐसे महसूस करना कि जैसे मैं कॉल अटेंड कर रही हूँ। अच्छा। कान के साथ कैमरा लगा के ऐसे उसको सामने ले आना। अच्छा जी, ये तरीके हैं तुम लोगों के वीडियो बनाने के। अभी तक कितने लोगों को टारगेट कर चुके हो? जी तकरीबन लातदाद होंगे? नहीं, लातदाद नहीं है जी, मुझे इस फील्ड में आए 3 माह। तो तुम नए हो इस फील्ड में जी, तुमसे पहले ये लोग कितने अरसे से काम कर रहे हैं? ये अपना जो है ना राज की बात नहीं बताते, जो मैंने काम किए वो तकरीबन 7 या 8 काम है। 7 या 8 लोग टारगेट किए हैं। कितने पैसे कमाए हैं तुमने जाती तौर पे और इन लोगों ने भी? मुझे ज़्यादा पैसे जो हैं बीबियों को जाते हैं, सबसे ज़्यादा 3 बीबियाँ वो आपस में तकसीम करती हैं, 4th नंबर पे वकील आता है। वकील का नाम क्या? वकील है कमोका। तो जो वकील को हिस्सा मिलता है उससे आगे वो मुझे देता है। तुम्हें कितना मिलता है? काम पे डिपेंड होता है। चलो सपोज मान लिया तुम लोगों ने 5 लाख रुपया लिया एक पार्टी। 5 लाख कितने परसेंट मिलता है तुम्हें? 5 लाख नहीं मिलता, लाख या दो से ज्यादा नहीं। 2 लाख पे कितने परसेंट तुम्हें मिलता है? मुझे वकील को तकरीबन 2 लाख से 30 हज़ार मिलता है। और तुम्हें? मुझे 2-3 हज़ार। और एक महीने में कितनी कार्रवाइयां डाल लेते हो? एक महीने में एक? जी, इस काम में टाइम लगता है। कितना? ये उस बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी काबू आता जी। है। सबसे मुश्किल टारगेट कितनी देर में काबू आ जाता है, और सबसे आसान कितनी देर में काबू आता है? 6 माह भी लग जाते हैं, 15 दिन कम से कम 15 दिन भी लग जाते हैं। 15 दिन भी लग जाते जी। अच्छा, तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम ये सारा काम करते हो? नहीं नहीं। ये वकील साहब के साथ हुक कैसे हो गए आके इस काम में? एक गैरतमंद इंसान तो डर जाता है। वकील साहब पहले मौजूद थे इस काम में, ठीक है, उसके बाद मैं इस फील्ड में आया हूँ। तो पहले तो तकरीबन 10 दिन मुझे नहीं पता था इस काम का, ठीक है, उसके बाद मुझे इस चीज़ का इल्म हुआ। यानी चस्का लग गया पैसों का वकील के थ्रू। हाँ जी, उससे आने कहते हैं ना कि मुंह को खून लग जाना, तो इन लोगों के मुंह को खून लग गया हुआ था। इन्हें नहीं फर्क पड़ता था कि इनकी ब्लैकमेलिंग से कोई हार्ट अटैक का शिकार हो सकता है, इनकी ब्लैकमेलिंग से किसी के घर में सफ़े मातम बिछ सकता है, इनकी ब्लैकमेलिंग से किसी का घर उजड़ सकता है, इनकी ब्लैकमेलिंग से कोई अपने सारे खानदान को सारी जिंदगी के लिए मुंह दिखाने के काबिल ना भी रहे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को सिर्फ चाहिए तो पैसे, क्योंकि कहते हैं ना कि वो सिक्कों की झनकार, वो पैसों की झनकार इनके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि इन्हें किसी की आहें, किसी की सिसकियां, किसी की दर्द भरी आवाज़, किसी की परेशानी कानों में सुनाई नहीं देती थी, आंखों से दिखाई नहीं देती थी।